हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं दाल बाटी चूरमा। उसके लिए पहले दाल बिठाते हैं। चलिए, एक कप मूंग दाल, एक कप तुअर दाल, एक कप चना दाल। अब इसको धो लेते हैं स्टोव। अब कुकर में दाल डालते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे। दो गिलास पानी, डेढ़ चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी। अब इसको कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर का ढक्कन लगा गैस पे बिठा देंगे 3 सीटी के लिए, डीम आंच पे रुको। गैस ऑन करिए। अब डीम आंच पे, मीडियम आंच पे 3 सीटी आने तक पकाइए। देखिए अब सीटी निकल गई है, देखिए दाल पक गई। अब फ्राई करेंगे। अब तेल डालिए 2 चम्मच, छोटा 2 चम्मच। जीरा डालिए, हींग डालिए, कड़ी पत्ता डालिए, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची डालिए, लाल मिर्ची डालिए, लहसुन डालिए, तो चलाइए 1 मिनट के लिए, आंच कम कर दीजिए। 1 मिनट हो गया। अब प्याज डालिए, 1 बड़ा प्याज काट के डालिए। इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिए। ढक दीजिए, 2 मिनट पकने दीजिए। 2 मिनट हो गया। अब इसको एक बार चला लीजिए, तो थोड़ी सी और लाल होने दीजिए 1 मिनट के लिए। हो गया। इसमें टमाटर डालिए, फिर इसको चलाइए, फिर 1 मिनट के लिए डीम आंच पे ढक दीजिए। अब मसाला पक गया है। अब इसमें गरम मसाला डालिए। अब दाल डाल दीजिए। अब इसको चलाइए। इसको 1 मिनट पकने दीजिए ढक को। देखिए दाल हो गया 1 मिनट, दाल अच्छी तरह मिल चुकी है। अब गैस बंद कर देते हैं और ढक के रख दीजिए। चलिए फ्रेंड, अब बाटी के लिए आटा गूंद लेते हैं। आटे में
एक चम्मच तेल डाल दीजिए, खाने वाला तेल। आधा चम्मच सोडा डाल दीजिए, रस करके थोड़ी सी जवाइन डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह मिलाइए। हो गया, इसको हाथ से अच्छे से मसल लीजिए, पूरी अच्छे तरह से मसल लीजिए। देखिए अब ये हम मिला चुके हैं। अब इसमें पानी डालिए, थोड़ा थोड़ा करके कड़क टाइट आटा गूंदना है। तो अच्छे से मिलाइए। देखिए अब हमारा आटा गूंद के तैयार है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख दीजिए। अब 10 मिनट हो गया, अब इसको हम बाटी बनाएंगे। आइए हम दिखाते हैं कैसे बाटी बनाएंगे। इसको लंबा कर दीजिए, इसकी छोटी छोटी लोइयां गोलाकार का बना लीजिए। अब इसकी गोल गोल लोइयां कर लीजिए, ऐसे करके फिर इसको ऐसे करिए। जाएगी फिर इसके ऊपर से थोड़ी सी रोल, फिर इसको बना दीजिए गोल गोल गोल। देखिए इसको रख दीजिए। आइए हम आपको एक और बना कर दिखाते हैं। देखिए ऐसे करिए, अब इसको गोल कर, गोल हो गया ऐसे ऐसे। इसको हम सबका गोला बना के बाटी रख लेते हैं। देखिए सारी बाटियां बना के रख ली। अब इसको अपन के साचा में हम बनाएंगे। जलाइए अपम के साचा, इस पे रखिए। आज एकदम लो फ्लेम, एकदम लो फ्लेम, इसको गर्म होने दीजिए। इसमें थोड़ी थोड़ी तेल, एकदम थोड़ी थोड़ी तेल, हल्के हल्के सारे साचों में लगा लीजिए। ये गर्म हो गया अच्छी तरह से, एकदम डीम स्लो आज पे इसमें बाटिया डालते जाइए। सारे कंदों में बाटिया डाल दीजिए। अब इसको ढक दीजिए, 2 मिनट के लिए पकने दीजिए, फिर 2 मिनट बाद हम लोग चेक करेंगे। 3 मिनट हो गया, अब इसको एक बार चेक करते हैं। इसको पलट दीजिए, सारी बाटिया पलट दीजिए। आंच एकदम स्लो चाहिए। अब फिर से इसको ढक के 2 मिनट के लिए रख दीजिए। जब तक बाटिया हमारी सीख रही है तब तक हम चूरमे की तैयारी कर लेंगे। ये है बड़ा चम्मच से 2 चम्मच घी गरम कर लिए हमने। ये भी बड़ा चम्मच से 2 चम्मच
शक्कर पीस लिए हैं इसको बारीक। ये है काजू बादाम, इसको हमने बारीक पीस लिया है, आधा छोटा चम्मच इलायची। अब ये सब चूर्ण में पड़ेगी। 2 मिनट हो गया, एक बार इसको फिर से देख के इस साइड से थोड़ी सी पलट दीजिए 2 मिनट चारों तरफ से ताकि ये सिक जाए। फिर इसको 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। हो गई और 2 मिनट, देखिए हमारी बाटी पक के तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे, गैस बंद कर दीजिए। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब सारी बाटियों को से घी में डुबो डुबो रखेंगे, ऐसे घी में डुबो डुबो सब रखेंगे। हमने सारी बाटिया में घी लगा के रख दिया। अब इसको ढक के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, तो ये मुलायम सॉफ्ट हो जाएगी। अब जार में चूरमा बनाने के लिए 2 बाटी तोड़ के डालिए, इसको बारीक पीसिए। देखिए हमने बारीक पीस लिया। एक बाउल लीजिए, उसमें इसको डालिए। पहले से तैयार किया हुआ में घी डालिए, काजू बादाम बारीक पीसे थे वो डालिए, इलायची पाउडर डालिए, पीसी हुई मेरे शक्कर डालिए, अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए हम इसको अच्छे से मिला लिए। अब इसको हाथ से मिलाएंगे। देखिए देखिए मिला लिए हम अच्छे से। अब इसका हम लड्डू बनाएंगे छोटा छोटा। गोल गोल लड्डू बना के सब रख लेंगे। देखिए सारा चूरमा बन के तैयार है। देखिए दोस्त अब हमारा दाल बाटी बन के तैयार है। बनके तैयार है हमारी दाल बाटी रेसिपी। आप दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। आपको ये कैसी रेसिपी लगी? थैंक्स।